सलाम एवरीवन। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और अकल के इस अजीम तरीन खजाने से भी नवाजा है। इसी अकल को इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया में जिस भी चीज को चाहें तो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक लड़के ने अपनी इसी अकल को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कहानी है जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो की, जहां रहता है टाकुरो योशिदा, जिसने ये ठान ली कि वो गूगल को हर सूरत पीछे छोड़ कर रहेगा और उसने बनाया गूगल जैसा एक सर्च इंजन जो कि आपको रिजल्ट्स आपकी ईमेल में तकरीबन 3 दिन बाद देता था। तो ये आइडिया तो हो गया फेल। उसके बाद उसने बनाया गूगल ग्लास जैसी एक और डिवाइस जो आपकी मूवमेंट से डिवाइसेस की आवाज़ों को ऊंची और आहिस्ता करने की काबिलियत रखती थी, लेकिन गूगल ग्लास इससे ज्यादा एक्यूरेट थी, जिसकी वजह से इस ताकुरो का ये आइडिया भी फेल हो गया। लेकिन ताकुरो ने हार ना मानते हुए एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसने टूरिस्ट की जिंदगी को बदल कर रख दिया, जिसका नाम है इलाई। इसके अंदर मौजूद है निहायत पावरफुल प्रोसेसर जिसकी वजह से बगैर किसी देर के चाइनीज को जापानीज और जापानीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकती है। ताकुरो के मुताबिक पब्लिक डिमांड पर इसमें मजीद लैंग्वेजेस भी ऐड की जाएंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसको गूगल ट्रांसलेट से ज्यादा बेहतर बनाती है वो ये कि इस डिवाइस को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरनेट की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इसके निहायत मिनिमलिस्टिक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से ये इजी टू कैरी है और इसका यूज़ करना भी है उतना ही आसान। सिर्फ 0.2 सेकंड में ये आपके जुमले को मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेट कर देती है। एक्सक्यूज मी, कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू? ओके, ऑलराइट, ग्रेट, लेट्स गो, हियर यू गो, टेक मी टू लॉस एंजेलिस। इसको पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया गया और इस डिवाइस ने ताकुरो की जिंदगी को सक्सेस से भर दिया और यूं ताकुरो गूगल को हराने के अपने इस मिशन में कामयाब हो गया। और इसकी इसी बेमिसाल कामयाबी के बाद जापान की हकूमत ने इसको ऐसी मजीद इन्वेंशंस के लिए सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ताकुरो ने गूगल को हराने के साथ साथ अपनी भी जिंदगी बदल डाली और इसको ये सब करने में तकरीबन 6 साल का अरसा लगा, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान चाहे तो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकता है और यूं ताकुरो गूगल को पीछे छोड़ने वाला पहला इंसान बन गया।